दोस्तों, आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई के इन 5 सीट एमआईएम पार्टी की झोली में। दोस्तों, क्यों और कैसे मुंबई की यह 5 विधानसभा सीट एमआईएम पार्टी की झोली में जाने वाली है, पूरा डिटेल और प्रूफ के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। मेरा यह वीडियो पूरा देखने के बाद यकीनन आप लोग भी कहने वाले हैं कि यह 5 सीट इस बार एमआईएम पार्टी की झोली में जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उम्मीदवारों को लेकर सबसे आगे निकल चुकी है। यानी कि दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषणा नहीं की है। वहीं बीते दिन एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब अपने पार्टी के 5 विधायक प्रत्याशी के नाम घोषणा कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस बार मुंबई में एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपने पुराने अध्यक्ष को हटाकर जनाब रईस लश्करिया को मुंबई का बागडोर दिया है। जब से रईस लश्करिया मुंबई एमआईएम पार्टी के सदर बने हैं, तभी से मुंबई के 36 विधानसभा सीटों में से इन 5 विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी के समीकरण को चुनाव जीतने के लायक बना दिया है। वहीं दोस्तों, बताया जा रहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये 5ों विधानसभा की सीट असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झोली में जाने वाली है। दोस्तों, इन 5ों विधानसभा के नाम कुछ इस तरह से है: वर्षा, मलाड वेस्ट, चांदीवली, कलवा मुमरा और एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस पठान वाली सीट बाइकल्ला। दोस्तों, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता चलूं, एमआईएम पार्टी के मुंबई सदर जनाब रईस लश्करिया एमआईएम पार्टी के टिकट पर वर्षा विधानसभा से अपना किस्मत आजमाएंगे। इनके उम्मीदवारी के नाम पर एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब मोहर लगा चुके हैं। वहीं कलवा मुमरा से एमआईएम पार्टी के युवा नेता सैफ पठान को एमआईएम पार्टी उम्मीदवार बना सकते हैं। मलाड वेस्ट से एमआईएम पार्टी के शेरनी रिजवाना खान चुनाव जीतने के लिए पूरा ताकत झोंक चुकी है और बाइकल्ला में एमआईएम पार्टी के पकड़ 100% मजबूत बताया जा रहा है। दोस्तों, मुंबई के यह 5ों सीट इस बार एमआईएम पार्टी की झोली में जाने वाली है। दोस्तों, आप लोग अपना राय कमेंट के ज़रिए से हमें ज़रूर बतलाइए कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई के 36 विधानसभा सीटों में से कितने विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी की कामयाबी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।